इस वक्त हमारे साथ हैं साक्षात ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी। नमो नारायण। स्वामी जी, सभी शिष्य यही कहते हैं कि हमारे गुरु जी बीज मंत्र देते हैं, वो बीज मंत्र हमें सारी परेशानियों से मुक्त कर देता है। स्वामी जी जानना चाहेंगे बीज मंत्र में क्या शक्ति होती है और क्या है बीज मंत्र। आपने बड़ा जन कल्याण के लिए अद्भुत अनूठा सुंदर प्रश्न किया कि जो सारा जगत है ये बीज से बना है। जैसे हम बीज से पैदा हुए, पिता के वीर्यानु से पेड़ पौधे फल सभी बीज से पैदा होते हैं और हर चीज़ का जो मूल है वो बीज है। तो ये सारा जगत बीज से बना और बीज मंत्र का अर्थ है मन से जो पार, दुखों से पार हमें ले जाता है। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सर्व रोग का औखध नाम, सारे रोगों की जो औखध है, जो दवाई है, वो प्रभु का नाम है, वो बीज मंत्र है। नाम का अर्थ है प्रभु का मूल। जैसे एकमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अंजुनी शभंग गुरु प्रसाद जप, ये मूल मंत्र है। मूल का अर्थ है प्रारंभ से, आदि भी है जिसका अंत भी नहीं है और आदि भी नहीं है। तो जो सारे दुखों को पैदा करने वाला है वो परमेश्वर तो भूलिया व्यापन सभ्य रोग, सारे रोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो परमात्मा को अकाल पुरुष को मानता है या नहीं मानता, चाहे वो उसकी आंखें है या नहीं है, चाहे आंखें हैं, सारे इस पृथ्वी को प्रकाश देने वाला सूर्य है और अंधेरा सूर्य के हटने का नाम है या आँख के हटने का नाम है। तो सारे दुखों का कारण परमात्मा का भूलना है और सारे सुखों का आगमन है, सारे कष्टों का समाधान है, वो परमात्मा का नाम है। ये गीता वेद शास्त्र श्री गुरु ग्रंथ साहब सारे ग्रंथ इसी बात को बताते हैं। बीज मंत्र का अर्थ है कि परमात्मा का वह रहस्यपूर्ण नाम जो दुखों का मूल को समाप्त करता है, जड़ को समाप्त करता है, समस्या का समाधान करता है। स्वामी जी, हमने बीज मंत्र के बारे में जाना, साथ ही साथ अभी हमें ये सूचना मिली है कि काशी विद्यापीठ ने आपको सर्वश्रेष्ठ विश्व संत की उपाधि दी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसके बारे में क्या कहेंगे, अब उनका भाव आ गया, उनका प्रेम आ गया। मुझे तो नहीं लगता मैं कोई संत हूँ या सर्वश्रेष्ठ हूँ या कोई बहुत अच्छा हूँ, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। या मैं संत भी हूँ ये भी नहीं लगता। मुझे लगता है कि हम सब एक हैं, एक पिता एक कस के हम बालक, और इको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा का है सिमरिए जो जमे ते मर जाए। अब भाव में प्रेम में जैसे हम किसी को फूल दे देते हैं या राष्ट्रपति को हम उपहार दे देते हैं या किसी के मैरिज दिन है या बर्थडे है या किसी का प्रेम देकर हम कुछ आदान प्रदान कर लेते हैं, उसी प्रकार वहाँ गए थे, उन्होंने प्रेम से ये उपहार दे दिया कि आप विश्व संत हैं और बड़े महान हैं। तो कोई महान कह देता है, कोई कहता है आप अनपढ़ हैं मूर्ख हैं, तो दोनों एक ही चीज़ है। कोई मुझे तो फ़र्क नहीं लगता, तारीफ में और निंदा में कोई फ़र्क ऐसा नहीं लगता। स्वामी जी, यूके ने आपको एक उपाधि दी है कि आप पीस एम्बेसडर हैं, विश्व शांति के लिए आप लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। किस तरह के प्रयास चल रहे हैं विश्व शांति के लिए और क्या लगता है कि विश्व शांति के लिए हर एक को क्या करना चाहिए? जो विश्व की शांति है मुझे भी नहीं पता कि विश्व शांति मैं कोई कर रहा हूँ, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आदमी स्वयं शांत हो जाए, स्वयं के अंदर पीस आ जाए। तो अगर स्वयं के अंदर पीस आ जाए, एक एक आदमी के अंदर अगर पीस आ जाए, तो विश्व शांति अपने आप ही हो जाएगी। तो मेरा एक ही भाव है कि मैं प्रभु की कृपा से ये जो प्रभु का नाम है ये भी पीस देता है, शांति देता है। अगर एक एक व्यक्ति को, अगर सभी व्यक्ति को बुखार है तो डॉक्टर सभी का इलाज नहीं करता, एक एक का इलाज करता है। अगर एक एक व्यक्ति ठीक हो जाए तो सारा दुनिया ठीक होगी। उसी तरह एक मकान किसी चीज़ का नाम नहीं है, एक एक ईंट का नाम मकान है। अगर एक एक ईंट ठीक हो जाए तो मकान बन जाता है। अगर एक एक ईंट निकाल दी जाए, एक गिलास पानी है, गिलास पानी नहीं है, एक एक बूंद का नाम है। अगर एक एक बूंद पानी निकाल दी जाए तो गिलास खाली हो जाएगा। अगर एक एक बूंद भर दें तो गिलास भर जाएगा। इसलिए अगर संसार में, हमारे भारत में, विश्व में सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी हैं, कपड़े अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है,
सारा कुछ अच्छा है, सरकार अच्छी है, प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, राष्ट्रपति अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छा है, पार्टियां सभी अच्छी हैं, लेकिन पीस नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। एक एक आदमी दुखी है, लेकिन साधन बड़े हैं, पैसा भी है, नाम है, यश कीर्ति भी है, सब कुछ है। और अगर एक एक आदमी के पास कुछ नहीं है, वो सुखी है, आनंदित है, उसके अंदर में नानक मन प्रकाश शांति है। अब सदगुरु नानक देव जी के महाराज, कोई कार्य नहीं थी, कोई कोठियाँ नहीं थी, कोई एजुकेशन नहीं थी, कहीं कोई कोठियाँ नहीं थी, लेकिन वो पीस थी, शांत थे, आनंद के सागर थे। वो उनके होने से जगत में आनंद आ रहा है। एक सदगुरु नानक के होने से अगर जगत में इतना आनंद सुख आ रहा है, तो अगर सारे सुखी हो जाए, आनंद हो गया, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। अगर सारे, अगर एक दीपक के जलने से इतना प्रकाश हो रहा है, तो अगर सारे दीपक जलने लग जाएं, तो आप कल्पना करो क्या हो सकता है। उसी तरह अगर एक एक आदमी पीस में चला जाए, शांति में चला जाए, वो शांति केवल गुरु के, प्रभु के नाम से हो सकती है, और उसका कोई इलाज नहीं है। विश्व शांति का होगा अद्भुत आभास, ज़रूरत है कि हर कोई करे इसके लिए प्रयास, यही कहा है स्वामी जी ने। लेकिन एक आभास है परमात्मा को देखने का, एक आभास है उस अलौकिक शक्ति को महसूस करने का, जो कि स्वामी जी ने की है। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वामी जी, आपके शिष्य कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने भगवान को देखा है, वो भगवान को देख सकते हैं, वो भगवान को महसूस कर सकते हैं, वो अलौकिक शक्ति परमात्मा को मिलने का, उनको देखने का, उनसे बात करने का एहसास, उसके बारे में कुछ बताइए। एक तो जो ये है, ये कि मेरे शिष्य नहीं है ना, मैं उनका गुरु हूँ, ये ऐसा मानते हैं कि मैं शिष्य हूँ या मैं गुरु हूँ। मेरे लिए मेरे भाई हैं, मेरे माता पिता हैं। अब एक उंगली मानती है, दूसरी बड़ी है, बड़ी मानती है, वो छोटी है, लेकिन शरीर को नहीं पता। उसी प्रकार ये मेरे अपने हैं, जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, हमें नहीं पता कौन महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार एक का प्रारूप है, एको सिमरो नानका, एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वेदों में भी कहा है कि एक के अलावा कुछ नहीं है। आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हरा, आप ही प्रभु अलग अलग रूपों में बिखरता है, अलग अलग रूपों में विचरता है, और एक से सारा जगत का जो सारा प्रारूप बना है और मिटता है, एक का ही प्रारूप है। और जो आपने प्रश्न क्या पूछा था, परमात्मा से मिलन का जो आभास है, जो एहसास है, उसके बारे में कुछ बताएं। एक तो परमात्मा का मिलना ऐसे है, हम मिलते उसे हैं जो चीज़ दूर होती है, जो दूर चली जाए। अब मछली से पूछो, आप समुद्र के बाहर खड़े हैं जी। कि भाई समुद्र से हमने मिलना है, तो हमें आभास कराओ समुद्र का जी। उस समुद्र कहाँ रहता है, समुद्र कहाँ पर है, हमने समुद्र में रहना है, समुद्र में, समुद्र को जानना है। एक मछली दूसरी मछली से अगर ये पूछे कि हम समुद्र को जानना चाहते हैं, समुद्र क्या है, तो दूसरी मछली को वो क्या बताएगी जो समुद्र में, दोनों रह रही हैं, दोनों समुद्र में है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब, वेद शास्त्र सभी कहते हैं, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंतला, जहां जहां देखा ता ता तू है, तुझसे निक्सी फूट मरा। अब समुद्र से मछली कैसे अलग हो सकती है, समुद्र से मछली अलग हो भी सकती है, दूर भी जा सकती है, लेकिन परमात्मा से हम दूर नहीं हो सकते। इतना अंग संग है, साथ है, पास है। गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है जी। कि नाल हवंदा ले ना सकंदा, सार ना जाने मूड़ा, माया मद माता होछियां बाता, मिलन ना जाई भरमंदड़ा, कह नानक गुरबिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा, सबके पास है। अब मछली से दूसरी मछली पूछे कि समुद्र को मैं मिलना चाहती हूँ, तो एक मछली दूसरी मछली को क्या बताएगी। इसलिए गुरु की कृपा से ये सारा प्रारूप बनता है। और आजकल सारे दुखी है, ऐसा नहीं है, जब से सृष्टि बनी थी तब से दुखी थे। सतयुग में भी, राम के टाइम में रावण, कृष्ण के टाइम में कंस, शुरू से जब से ये पृथ्वी बनी है तब से ही दुखी थी। और पैदा होना ही दुख है, जो हमारा जन्म होना है ना, जन्म होना, इसी का नाम दुख है, इसी का नाम काल है। इसी को गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, अकाल मूर्त, ये जो हमारी मूर्त है, ये काल मूर्त है, इसका लिमिट है, इसकी समय, इसका टाइम है, ये मरने वाला है। और काल को समय भी कहते हैं, मौत भी कहते हैं, दुख भी कहते हैं। तो ये सारा संसार शुरू से दुखी रहा है, नानक दुखिया सब संसार, ये शुरू से रहा है, आगे भी ये रहेगा। और इसके बारे में और आगे भी वर्णित किया है
कि सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने नाम का बीज मंत्र का पाठ का प्रभु का कृपा का सहारा ले लिया वो सुखी है। स्वामी जी ने भी यही कह दिया कि परमात्मा यही है, उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है और महसूस गुरु कराता है। वो कहा भी गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हमने बात की इस वक्त महर्षि कुमार स्वामी जी से। स्वामी जी, अंत में यही पूछना चाहूँगी कि सच्चा गुरु कैसे मिलता है? सच्चा गुरु मिलता ही है, सच्चा गुरु को आप ढूंढ नहीं सकते। अब अंधेरा कैसे प्रकाश को ढूंढेगा जी? कैसे ढूंढेगा अंधेरा? तो एक सच्चे गुरु के क्या मायने हैं, लोग कैसे पहचाने कि यही गुरु है, गुरु कैसे मिलेगा? गुरु मिलता नहीं है, गुरु आप ही ढूंढते हैं शिष्य को। शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, जैसे अंधेरा सूरज को नहीं ढूंढ सकता ना जी। ऐसे सूर्य अंधेरा को ढूंढता है और सूरज के पास आते ही अंधेरा प्रकाश में बन जाता है। गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं है, गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं है। और शिष्य जब उस रहस्य को जानता है तो उसको लगता है कि आपे कंडा तोल तराजू आपे तोलन हारा, ये प्रभु की कृपा का सारा आलोक है। और सच्चा गुरु और झूठा गुरु का जो डाम है, जो प्रारूप है, जो गुरु है, जैसे सूर्य है, सूर्य थोड़ी कहता है मैं सूरज हूँ, हीरा नहीं कहता मैं हीरा हूँ। तो गुरु का अर्थ है, गुरु का अर्थ है अंधेरा, रूह का अर्थ है प्रकाश, जो हमें अंधेरे से प्रकाश में ले जाए, जो हमें एक दिशा दे, निर्देश दे। तो गुरु को पता ही नहीं होता वो गुरु है, और गुरु अपने आप को गुरु मानता ही नहीं। और जो अपने आप को गुरु मानता है, एक तो वो गुरु नहीं है, पहले तो ये जान लो। जो भी अपने आप को गुरु मानेगा, अपने आप को गुरु कहेगा, वो गुरु नहीं है। जैसे माँ है, माँ माँ है, वो उसको कहलाने की जरूरत नहीं है। सूर्य सूरज है, सूर्य की घोषणा नहीं करेगा मैं सूर्य हूँ, उसका प्रकाश ही बता रहा है वो सूरज है। तो गुरु स्वयं ढूंढता है। जब हम गीता में जैसे भगवान ने कहा है कि तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानी तद दर्शिना, जब दंडत प्रणाम करके विनम्रता से जाओ सभी जगह ढूंढो, आपको पता लगेगा, फील होगा, महसूस होगा। जैसे आप बाजार में जाते हैं, आपको महसूस होता है ये चीज़ कैसी है, ये सेब है, ये फल है, या ये क्या है, ये व्यक्ति मुझे कैसे देख रहा है, मेरी माँ कैसे है, मेरा पिता कैसे है, झूठा क्या है, सच्चा क्या है, सबको महसूस होता है ना कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसी प्रकार जहाँ से आपको कुछ महसूस ही ना हो, पता ही ना लगे, जैसे माँ के पास जाते हैं हमें महसूस ही नहीं होता हम कहीं आए हैं। जो शरीर में रोग होता है तो वहाँ दर्द होता है, तो महसूस होना दर्द का नाम है। जो चीज़ आपको महसूस होगी वो खो जाएगी, जहाँ दर्द है वो हिस्सा में महसूस होगा, उसका हमें पता लगेगा। जैसे हमारे सिर में दर्द है तो हमें महसूस होगा जी। अगर हमारे जोड़ों में मुड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, हमें महसूस होगा। जब आपको महसूस ही नहीं हो कोई चीज़ का, महसूस ही ना हो, इसका मतलब है कि वहाँ वो ठीक है। जहाँ आपको जाके कुछ महसूस ही ना हो, पता ही ना लगे कि हमारा समय कब बीत गया, टाइम कब बीत गया, हमें पता नहीं लगा। जैसे माँ के पास बैठते हैं, घर में बैठते हैं, जैसे हम रात को सो जाते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता हम सो जाते हैं। महसूस होने का नाम दुख है, महसूस होने का नाम जागृति है, महसूस होने का नाम तीन अवस्थाओं से महसूस होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं हैं। एक तुरिया, तुरिया के अंदर तीनों अवस्थाएं खो जाती हैं। तो जब आपकी तन का, आपके मन का, आपके होने का, आपके गर्व का, आपके गुरूर का, आपके रूप का, आपके स्त्री का, आपके पुरुष का, आपके मान का, अपमान का, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहब में भी वर्णित किया है कि दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना हर शोकते रहे अतीता तिन जग तत्व पहचाना। फिर आगे लिखा है कह नानक के खेल कठिन है किन्नु गुरुमुख जाना। ये खेल है, जो जगत को खेल मानता है, खेल जानता है, उस रहस्य को गुरु के पास आता है। गुरु फिर प्रभु की कृपा से उसे वो प्रभु नाम का रहस्य देता है, जिससे उसके धर्म के, अर्थ के, काम के, मोक्ष के, तन के, मन के, धन के सारी समस्या का समाधान करता है। और फिर प्रभु अंत में उसे अपने रूप में, अपने धाम में, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, उसे अपने में लीन कर लेता है।
गुरु ज्ञान का सागर है और शिष्य इस सागर में डुबकियां लगाते हैं और कुछ अंश ज्ञान जरूर हासिल करते हैं। वो कहा भी गया है रामायण में, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सपाई। समय बहुत अल्प है और मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरु जी से काफ़ी ज्ञान हमें मिला है और उसका कुछ अंश ज़रूर हमने हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, नमो नारायणा प्रणाम। हम आशा करते हैं कि काफ़ी ज्ञान अर्जित किया आप सभी ने। और इसी के साथ मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सेवन सी के साथ। नमस्कार। ये मूल मंत्र है, मूल का अर्थ है प्रारंभ से, आदि भी है जिसका अंत भी नहीं है और आदि भी नहीं है।